नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों के द्वारा योजनाओं की बारिश की जा रही है, जहां 12,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए सालाना देने के साथ ही बीपीएल परिवार में जन्मी बच्ची के जन्म पर 1,00,000 रुपए देने की योजना की भी घोषणा कर दी गई है, जिसका लाभ चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को मिलना तय है। मगर सवाल यह है कि आखिर किसकी घोषणाओं पर है महिला वोटर्स को भरोसा। एक तरफ तो भूपेश का भरोसा तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी। देखना यह होगा कि 17 तारीख को 1,02,00,000 की आबादी किसके वादे पर अपनी वोट की मुहर लगाती है। तो आज महिलाओं के भविष्य और महिलाओं के फैसले पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। सियासत की डगर, महिलाओं पर नजर। महिला वोटर्स जिसके साथ उसके सर सजेगा सत्ता का ताज। चुनाव का एक्स फैक्टर महिला वोटर्स। महिला वोटर किसके साथ? जी सवाल ये है क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक दल के नेता हर वर्ग को साधने की दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पिछले 5 साल से जिन बातों की मुखालफत करती थी, अब उसी दिशा में वो आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी जिन योजनाओं का विरोध करती थी, घोषणा पत्र में उन्हीं बातों पर फोकस कर रही है। खास बात इस बार ये भी है कि दोनों ही तरफ से घोषणाएं महिलाओं को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने वाली हैं। ऐसे में सरकार चाहे कांग्रेस की बने या बीजेपी की, प्रदेश की 1,00,000 से ज्यादा महिलाओं को 12,000 से 15,000 रुपए सालाना मिलना तय है। साथ ही गैस सिलेंडर भी सस्ते में मिलेंगे। बीजेपी ने हर विवाहित महिला को साल में 12,000 देने की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस ने हर महिला को साल में 15,000 रुपए देने की घोषणा की है। राज्य में 2,00,000 से ज्यादा महिला वोटर हैं। यही नहीं, राज्य में 90 में से 52 सीटों पर महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इसलिए दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने महिलाओं पर फोकस करते हुए घोषणाएं की हैं। बीजेपी और कांग्रेस की घोषणाओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि कोई एक दूसरे से कम है। अब प्रदेश की महिलाओं पर है कि वे किस पार्टी के वादे पर भरोसा कर रही हैं। अगर बात कांग्रेस के वादे की करें तो छत्तीसगढ़ में 20,000 से भी ज्यादा महिला समूह एक्टिव हैं। हर समूह में 10 के आसपास महिलाएं हैं। इस तरह से इस योजना से करीब 2,00,000 महिलाओं को फायदा होगा। आमतौर पर सभी महिला समूह रोजगार और छोटे मोटे काम धंधे बैंकों से कर्ज लेकर करते हैं, ऐसे में उन्हें इस घोषणा से सीधा फायदा होगा। बीजेपी ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सीधे कोई घोषणा नहीं की, लेकिन बीपीएल परिवार में बच्ची के जन्म पर 1,00,000 रुपए का आश्वासन पत्र जारी करने का ऐलान किया है। ये योजना राज्य के 45,00,000 से ज्यादा बीपीएल परिवारों के लिए फायदेमंद होगी। इसी तरह 10,00,000 रुपए तक निःशुल्क इलाज, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। ये अपेक्षा कर रहा था कि ऊपर समृद्धि आए और सक्षम हम देखना चाहते हैं, और ये अवसर में, दिवाली के अवसर में मैं घोषणा कर रहा था कि आज आप सब कांग्रेस लो वोट दो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना अमन सरकार बनी लॉन्च कर वो, और सबो मातारी बहनी मल्ला 15,000 रुपए सालाना दे। प्रथम चरण के मतदान के बाद भूपेश बघेल की माताओं बहनों के लिए घोषणा ये बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है और हार के हताशा में इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को जिस भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, चाहे शराबबंदी के वादा का हो। ऐसे में सियासत की डगर है, महिलाओं पर नजर है। साफ है कि महिला वोटर्स जिसके साथ उसके सर सजेगा सत्ता का ताज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव 17 नवंबर को होने हैं और ऐसे में महिलाओं को लेकर दोनों ही पार्टियों के द्वारा जिस तरह से घोषणाएं सामने लाई गई हैं, अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ की जो महिला वोटर हैं और 90 से 52 सीटों पर जिनका वर्चस्व स्थापित है, वो किसके वायदे पर ज्यादा भरोसा जताती हैं।
तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर शिल्पा आपसे मैं करना चाहूंगी, यहाँ पर कांग्रेस को लेकर जिस तरह से कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को लेकर तमाम जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा की गई है, लेकिन क्या लगता है आपको कि एक तो आपकी यहां पर सरकार है, दूसरी तरफ से महिलाओं को लेकर ये जो घोषणा की गई है, क्या आपको यकीन है कि भूपेश पर जो भरोसा है वो बरकरार रह पाएगा? क्योंकि टक्कर अब भारतीय जनता पार्टी भी दे चुकी है पूरी तरह से, घोषणा पत्र में भी और योजनाओं में भी। नमस्कार प्रियंका जी, 2018 में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताते हुए भरपूर जन आशीर्वाद दिया और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। और जैसे ही सरकार बनी, दो घंटे के भीतर हमने अपने घोषणा पत्र में जो कर्ज माफी की घोषणा की थी, दो घंटे के भीतर उसको पूर्ण करके दिखाया। और इसी तरीके से धान का समर्थन मूल्य, हर वर्ग के लोगों के लिए जो जनहितैषी योजनाएं बनाई थी उन्हें जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया और लोगों का भरोसा जीता। जनता की तरफ से ये विचार आया है कि भूपेश है तो भरोसा है। देखिए प्रियंका जी, भरोसा एक बहुत बड़ी चीज होती है और जनता ने भरोसा भूपेश सरकार पर दिखाया है। तो मैं इस गर्व के साथ कह सकती हूँ कि महिलाओं को लाभ देने के लिए जो योजनाएं भूपेश सरकार के द्वारा बनाई गई है और आगे जो घोषणा पत्र में जो भी वादे लाए गए हैं उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होगा, ये कांग्रेस पार्टी पर आम जनता भरोसा जताती है। ठीक है डॉक्टर, देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है शिल्पा जी, लेकिन पिछली बार माना जा रहा है कि पिछली बार कांग्रेस को फायदा इसलिए मिला था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस तरह का घोषणा पत्र नहीं लेकर आई थी और जो आपके वायदे थे उन वायदों पर जनता ने भरोसा किया था। लेकिन इस बार का यदि चुनाव देखें तो कांटे की टक्कर के साथ ही साथ भाजपा ने उन तमाम पॉइंट्स पर बराबरी की है, उन तमाम मुद्दों पर। क्योंकि घोषणा पत्र की बात की जाए तो कई बार ये भी माना जा रहा है कि घोषणा पत्र बेहतर था, हालांकि ये जो बाद में आपने घोषणाएं की है हो सकता है आपको इसका पूरा लाभ मिले, लेकिन अब यहां पर इस पर आप क्या कहेंगे? पिछली बार आपको वायदों का फायदा मिला था लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी सीधे मैदान में है और टक्कर भी जोरदार है। प्रियंका जी, जनता जनार्दन होती है, जनता ने देखा है प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी का कुशासन और केंद्र में जो मोदी सरकार के वादे थे, मोदी सरकार ने इलेक्शन के पहले वादे किए थे 15 लाख सबकी जेब में आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम होगी, सभी वादे खोखले निकले, बेरोजगारी कम होगी खोखला निकला। प्रदेश की बात कर लूं तो जर्सी गाय देंगे 10 लीटर दूध देने वाली, वो वादा खोखला निकला। धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए देंगे, वो वादा पूरा नहीं कर पाए। इस तरीके से जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन के टाइम में जो वादे होते हैं वो सिर्फ चुनावी प्रपंच होते हैं, वो पूरे नहीं करते हैं। और जनता जानती है तुलनात्मक अध्ययन से कि किस तरीके से 5 वर्षों में, लेकिन डॉक्टर, लेकिन शिल्पा जी यदि महिलाओं की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का 3 तलाक की चाहे हम बात कर ले, चाहे महिला आरक्षण बिल की बात कर ले, उनके पास ये कहने को है कि वो महिलाओं के हित पर काम करते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी लेकिन के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, जिस तरह से हम महिलाओं के हितों की बात कर रहे हैं, घोषणा पत्र की यदि हम बात करें तो दोनों ही घोषणा पत्र समानांतर नजर आते हैं, थोड़ा बहुत यहां पर अंतर है जिनका डिसीजन, फाइनल डिसीजन महिला वोटर्स को वहां पर लेना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये तमाम जो घोषणाएं की गई हैं, इन घोषणाओं में अब जो जनता है वो किसकी तरफ ज्यादा रुख कर सकती है? निश्चित रूप से आप सही लाइन पकड़े हैं कि पिछले चुनाव में जो था जन घोषणा पत्र एक मजबूती के साथ आया था जिसमें महिलाओं से किए गए वादे महत्वपूर्ण थे। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने में, चाहे उसमें शराबबंदी की बात कहें या जो अभी जिसका प्रचार नहीं हो पाया था लोगों में, मैं कहूंगा कि क्योंकि जो भाजपा आज उठा रही थी 500 रुपए महतारी सम्मान योजना की बात कही थी लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख घोषणा उसमें ना होकर के महिला बाल विकास विभाग का एक पेज अलग से कालम था उसके अंतर्गत था, तो ये प्रचार नहीं हो पाया था। लेकिन बात आ रही है वादा खिलाफी, भूपेश है तो भरोसा है की बात है और दूसरी ओर है मोदी की गारंटी, तो लोगों को एक विश्वास की बात है, किस पर विश्वास करें। विभिन्न प्रकार के जैसे 15 साल के में भी बात करें, कहीं जर्सी गाय की बात किसी समय में भाजपा कही थी लेकिन अब 2 बकरी देने की बात आदिवासियों को कही जा रही है। महिलाओं के दृष्टि से भी बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो है
आदिवासी एसटी बहुल राज्य है, 29 आदिवासियों के लिए और 10 सीट जो है एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और महिलाओं के दृष्टि से देखें तो आप जब 2 करोड़ बता रहे, 2 करोड़ टोटल छत्तीसगढ़ के मतदाता है, उनमें से 1 करोड़ जो है 1 करोड़ से अधिक, मतलब पुरुष मतदाताओं से अधिक संख्या 1,02,39,000 महिला मतदाता है। महिला मतदाताओं की भूमिका देखिए, जो 12-15 हजार की बात आ रही, तो भाजपा जो पहले कर दी थी 12 हजार की घोषणा अपने मोदी के गारंटी में, तो उसके चलते में पहले चरण का जो 20 विधानसभा क्षेत्र का जो मतदान हो चुका है वहाँ कितना असर हुआ, तो असर राजनीतिक रूप से लग रहा है कि ये बड़ा मुद्दा रहा है उस क्षेत्र में, क्योंकि किसानों के मामले में आदिवासी क्षेत्र में उतना महत्वपूर्ण नहीं था। जो ऋण माफी की जो बात कही गई वहाँ पे आदिवासियों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित मुद्दे ज्यादा कारगर रहा है, ये तो परिणाम में भी समीक्षा करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अभी जो 70 सीट है उसमें महिलाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं जो है ज्यादा सक्रिय है कहा जा सकता है, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से देखें या उनके स्वाभिमान की दृष्टि से देखें तो महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्वरोजगार के मामले से या महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले, और शिक्षा के मामले महिलाओं की देखेंगे कि एक जागृति आई है कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में देखने को मिलता है, जिसके चलते भी यहाँ पे जो फ्री एजुकेशन की बात आ रही, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कहे तो महिलाओं के लिए फ्री एजुकेशन, पीजी तक की शिक्षा की बात कही गई है, कभी साइकिल कभी स्कूल, तमाम प्रकार की जो योजनाएं आती रही इसका लाभ महिलाएं लेते हुए कितना उसमें आगे बढ़ती है ये महत्वपूर्ण बात है। कभी जमाने में छत्तीसगढ़ में देखिए महिला तस्करी की बात होती थी, महिला हिंसा की मुद्दा तो अभी भी है, ये भाजपा की ओर से लगातार महिला हिंसा या घरेलू हिंसा की बात करें या सामाजिक में जो समाज में जो घटनाएं हो रही है महिलाओं पर वो इसकी भी बात कर सकते हैं, तो ये तमाम विषय महिलाओं से संबंधित है और महिलाओं के भूमिका इस चुनाव में महत्वपूर्ण है, जिसको समझते हुए भाजपा और कांग्रेस ने तमाम प्रकार की घोषणाएं की। महंगाई को लेकर महिलाओं में देखिए तो गैस सिलेंडर की बात आती है, यहाँ सशक्त करने के लिए जो राशि देने की बात है उसका, लेकिन महत्वपूर्ण बात है महिलाओं को भी इस पर विचार करना है कि इन घोषणाओं पर कितना अमल हो पाता है और किस पर विश्वास करें, क्योंकि बजट भी आपको देखना है। यदि सबको महिलाओं को, अब तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि विवाहित, भाजपा ने विवाहित महिलाओं की बात करी है, कांग्रेस का कहना है विवाहित अविवाहित कुछ नहीं सबको देंगे, तो इनकी संख्या जो मतदाता है उससे भी कहीं अधिक हो जाएगी, तो इनको तुलना में आप कब लागू करें, इतनी राशि का प्रावधान क्या है, ये भी जनता के बीच विचार करना है। जो कि आप कर्ज की राशि भी आपके पास पड़ी, देखिए 82,000 से ज्यादा, 82,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, और आपका जो बजट है वो मात्र 1,25,000, जो अनुपूरक बजट मिला के कम्प्लीटली 1,21,000 का टोटल बजट हुआ था 2023 में, लेकिन वो अनुपूरक बजट भी बढ़ जाए, तो ये तमाम विषय आर्थिक पहलू को भी देखना है, महिला स्वाभिमान, महिला सशक्तिकरण, जितनी भी प्रकार की बातें हो रही है इन सबको ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे, और जो किस पर विश्वास करिए महिलाओं पर ही जी बिल्कुल, ये महिला वोटर्स के विवेक पर निर्भर करता है, और 3 दिसंबर का फैसला इस बारे में बताएगा। डॉक्टर शिल्पा, जिस तरह से यहाँ पर के शर्मा जी ने शराबबंदी की बात की है, तमाम घोषणाओं के पूरे होने की आप यहाँ पर बात करते हैं और भाजपा पर तो आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपके घोषणा पत्र की भी यदि बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो पूरे नहीं हुए हैं, और उसमें शराबबंदी ऐसा मुख्य कारण है। महिलाओं के जीवन को यदि आप सुधारने की बात करें तो शराबबंदी छत्तीसगढ़ में एक मुख्य मुद्दा था जिसे पूरा करने में, जिसे सॉल्व करने में आप नाकाम रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, घोषणा पत्र की बात करूं तो हमने जितने 36 वादे किए थे उसमें से 34 वादे, मतलब 95% वादे हमने पूरे कर दिए हैं। रही बात शराबबंदी की, ये चरणबद्ध प्रक्रिया है, इसमें कमिटियों का गठन भी और सर्वे भी हो रहा है, और मेन बात ये है जो अचीवमेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 100 से अधिक शराब की दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। शराब खपत में छत्तीसगढ़ प्रदेश जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तब दूसरे नंबर में आया करता था, गोवा के बाद ये छत्तीसगढ़ में शराब की खपत बहुत ज्यादा होती थी, और अभी मैं कहना चाहूंगी कि 18वें नंबर पर इनकी रैंकिंग है, मतलब शराब खपत बहुत कम हुई है, कंट्रोल में आ गया है। तो ये चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, और चरणबद्ध प्रक्रिया के चलते हमने काफी हद तक इसमें अचीवमेंट किए हैं, पॉजिटिव अचीवमेंट किए हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे बढ़ते हुए फुल अचीवमेंट हो जाएगा।
और बाकी जो वादे हैं 36 में से 34 वादे हमने पूरे करके जनता को लाभान्वित किया है जमीनी स्तर पर। और एक पिछले इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का घोषणा पत्र था उसमें आप देख लीजिए 30% से ज्यादा वादे ये पूरे नहीं कर पाए। ये हर वर्ग को जो लाभ देने की बात करते थे उसमें इन्होंने वादा किया। महेश कश्यप जी, महेश कश्यप जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। महेश जी, जिस तरह से शिल्पा जी कह रही हैं कि शराबबंदी के मामले में दूसरे नंबर से 18वें नंबर पर लेकर आ गई हैं, इसमें क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है इस बात की? दूसरी बात, शराबबंदी की जो बात कर रहे थे उससे उससे राज्य में अभी क्या स्थिति है? प्रियंका जी, इन्होंने तो पूर्ण शराबबंदी का घोषणा पत्र में इनका पूर्ण शराबबंदी का घोषणा किया था इन्होंने। आपको बता दूं, इन्होंने अभी कई दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं। मैं बस्तर के बाद बता दूं, नगरनाथ स्टील प्लांट के बाजू में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इनके उनके पत्नी पति के जमीन में अभी इनके शासनकाल में शराब दुकान खोला गया, पूरे क्षेत्र के लोग विरोध किया गया, गांव से लेकर पूरे क्षेत्र के लोग, नगरनाथ मंडल के क्षेत्र का बात बता रहा हूँ, नगर जहां स्टील प्लांट है, और वहां आज गांव के लोग उस सरपंच के खिलाफ खुलेआम विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि पूरा शराब का बाटल पूरा खेतों में फैला हुआ है। शाम को जाएंगे पूरा खेतों में झुंड के झुंड शराब पीते रहेंगे और उस क्षेत्र के लोग बर्बाद हो रहे हैं। और ये शराबबंदी की बात कर रहे हैं, और इसी तरह जगदलपुर में भी नया शराब दुकान खुला है और इस तरफ अनगिनत शराब दुकान खुला है। और रही बात ये आदि महिला एसएससी के बनने की बार बार ढोंग करते हैं कांग्रेस के लोगों, आपको बता दूं कांग्रेस के लोग ऐसा कौन सा काम किया महिलाओं के लिए? आज हमारे भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण के लेकर आप देखेंगे लिस्ट उठा के देखेंगे कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के साथ उनको शौचालय देने की बात हो, लेकिन आपके 12,000 के मुकाबले 15,000 यदि वो महिलाओं को देंगे तो महिला अपने आधार पर फैसला करेंगी, क्या लग रहा है आपको? वो 15,000 जो कांग्रेस भूपेश भाई तो भरोसा की नारा देने वाली कांग्रेस, 5 साल में उनका ये स्थिति है कि आज कई घोषणाएं करना पड़ा है और उसी घोषणा के दम पर 2018 में आया है। अगर इन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के 15 साल के नाकामी को गिना के अगर चुनाव जीते होते 2018 में, फिर दोबारा इनको चुनाव जीतते, क्योंकि 2018 में इन्होंने इसीलिए लोभ लुभाने वादे के दम पे चुनाव जीता था और वो वादे भी पूरा नहीं किया, बार बार 95% काम पूरा करने नहीं। लेकिन महेश जी, पिछले चुनाव में उनके वादे काम हुए थे, काम आए थे, उनकी सरकार बनी थी, और इस बार आपने कोशिश की है कहीं ना कहीं समानांतर घोषणा पत्र लाने की, और इसीलिए आपके घोषणा पत्र की तारीफ भी हो रही है, लेकिन आप 12,000 और वो 15,000 किधर जाएगी जनता? देखिए हमने हमारा जो संकल्प पत्र है, हम जनता से एक प्रकार सुझाव सुझाव पेटी हम लोग लोगों के बीच में भेजा था, उनके सुझाव के अनुसार हमने संकल्प पत्र लाया है और संकल्प पत्र मोदी के गारंटी के अनुसार हम उसको पूरा भी करेंगे। अभी हमारे पत्रकार साथी बता रहे थे छत्तीसगढ़ में अभी 84,000 करोड़ का अभी ऑलरेडी कर्ज है इन्हीं के शासनकाल में, फिर अगर ये लोग शासन में आ जाएंगे ना छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर देंगे, ऐसे भी तो घोटाले के आप हमारा डॉक्टर रमन सिंह को चाउर वाले बाबा के नाम से विश्वविख्यात है, इनका भूपेश बघेल आने वाला जी जवाब दीजिएगा, आप तो सरकार में हैं, कर्ज में यदि आपका राज्य है और इस तरह की घोषणाओं की बात कर रहे हैं तो कहां से पूरा होगा? फिर आप कहते हैं केंद्र आपकी मांगों को पूरा नहीं करता। कर्ज के बारे में मैं एक बात बता देती हूँ, जो केंद्र सरकार जो छत्तीसगढ़ के साथ भेदभावपूर्ण नीति के तहत हमारे राजस्व का कोयला जो है कमर्शियल कोयला खनन को जो इन्होंने दिया किया हुआ है उसमें का 55,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है जो राज्य को देना बताया है, वो पक्षपातपूर्ण इसको दिया गया है। डीएमएफटी फंड का बंडरवाड करने वाले कांग्रेस डीएमएफटी फंड किसने दिया? जी
मूल्य बढ़ा रहे थे, दैनिक जीवन की चीजों का मूल्य बढ़ा रहे थे, अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे थे, तब इनको महिलाओं की याद नहीं आई। महेश जी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महेश जी जवाब दीजिएगा, महिलाओं के हितैषी होने की यदि आप बात करते हैं और महिलाओं की योजनाओं की बात करते हैं तो आपको पता हो गया कि गैस सिलेंडर से लेकर खाना ये सबसे बड़ी चाहे किसी भी प्रकार की महिला हो, स्वावलंबी हो या घर चलाने पहली प्राथमिकता होती है। शिल्पा जी सिर्फ महिलाओं के महिला के ऊपर बोझ नहीं डाल रहे हैं, जो अगर किसी जितना महंगाई बढ़ा है ना सबके ऊपर बोझ लगा है, ऐसा नहीं कि मतलब महिलाओं, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशल जो योजनाएं हमने चलाया जिसके दम पे जिसका डायरेक्ट उनको लाभ मिला, जो महिलाएं माताएं मेरे जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। महेश जी आप सिलेंडर की बात पर बार 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 उसे छोड़ नहीं सकते, जिस हिसाब से सिलेंडर महंगा हुआ है और जिस हिसाब से महिलाओं को इसकी मार झेलनी पड़ती है उसमें अब आप सब्सिडी देने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन इतने दिनों जो उसकी मार झेलनी पड़ी है उज्ज्वला योजना के बाद भी महिलाएं उस सिलेंडर का लाभ ले पाने में सक्षम नहीं हो पाई। महिलाओं के विषय में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो सोच रहा है महिलाओं के प्रति, जितना महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी जो कार्य किया है 5 साल में, वो चाहे अपना मोदी जी के 9 साल में, कांग्रेस पार्टी 7 साल में नहीं कर पाया। कांग्रेस पार्टी 7 साल में जो महिलाओं को एक प्रकार से चूल्हा फूंकने तक सीमित रखा है, और हमारे मोदी जी आने के बाद महिलाओं को कहां तक पहुंचा दिया। के शर्मा जी, के शर्मा जी के पास में आऊंगी। के शर्मा जी, जिस तरह से हम महिलाओं के लिए तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं लेकिन महंगाई भी महिलाओं के लिए हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि महंगाई की मार सबसे पहले घर की रसोई पर पड़ती है और उसका सीधा सामना सीधा लेना देना महिलाओं से होता है। ऐसे में सिलेंडर को लेकर अब सब्सिडी देने की बात जरूर हो रही है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि ये जो सब्सिडी है उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा महिलाओं को ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए महंगाई आम जनता की ओर से एक बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते हुए राष्ट्रीय दल के सभी राजनीतिक दलों को कहा गया है जो इस दिशा में आगे आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई हर घर को सो चुकी है, चाहे वो 12,000-15,000 देने की बात कहें या ये जो सिलेंडर की बात करें, ये महंगाई से संबंधित है। इसको साथ ही रोजगार बेरोजगारी की दृष्टि से निश्चित रूप से महिलाओं की ओर ध्यान गया राजनीतिक दलों का, क्योंकि वे मताधिकार का उपयोग मेरे को लगता है ज्यादा करती है, सोच विचार के करती है। अब ऐसी महिलाएं नहीं है जो पति या पिता के कहने पे मतदान करे, तो वो अपने विचार से मतदान करती है, और इसी ढंग से मुझे लगता है यहाँ भी मतदान करेंगे। शिशु मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ में कमी आ रही है, सुपोषण अभियान की बात कही जा रही है, शिक्षा में छात्राओं को जब पीजी तक पूरी शिक्षा प्राप्ति की बात दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसमें 2-3 विषय है, रेडी टू ईट वाला मुद्दा महिलाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कांग्रेस और भाजपा की दृष्टि से। भाजपा इसमें कहना है कि हम फिर से महिला स्व सहायता समूह को देंगे, जो अलग से अभी कांग्रेस ने नीति में चेंज किया था इसको लेकर के है। इसके साथ ही ऋण माफी की जो बात, अभी तक पहले चरण में आप देखे होंगे कि किसानों की ऋण माफी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए था, लेकिन 12,000 की बात जो है वो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हो गया था। कहीं ना कहीं ये जबरदस्त असर महिलाओं में किया, जिसके चलते हुए पहले चरण मतदान के बाद कांग्रेस जब 15,000 में आ गई है, तो एक महिलाओं को विचार भी करना पड़ेगा, और इसमें जब 12 और 15,000 से ज्यादा महत्वपूर्ण है, विश्वास किस पर करें, जिसके लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस लगातार 5 साल से प्रयास करती रही कि भूपेश है तो भरोसा, ये भरोसा कहां तक कायम रहता है? या भाजपा जो आप बोल रही है कि इसका मजबूत घोषणा पत्र आया है, मोदी स्वयं अपनी गारंटी दे रहे हैं, इस पर लोग कितना विवेक से निर्णय करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण। आंगनबाड़ी वाला मुद्दा वैसी रहेगा, वैसी महिला सामुदायिक भवन बनाने की बात कभी हुई थी इसी विषय में, इस विषय में गांव गांव में सामुदायिक भवन बना के, तो मेरा कहने का मतलब ये छत्तीसगढ़ भले पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ के मतदाता इतने जागरूक हैं कि घोषणा पत्र के महत्व को समझ रहे हैं। घोषणा पत्र के आधार पर जैसे 2018 में मतदान हुआ है, तो किसने वादे पूरे किए 15 साल बनाम 5 साल, ये सबको देखते हुए विवेक से जो डिसीजन करेंगी। तो महिलाओं की दृष्टि से, अपराध की दृष्टि, अपराध नियंत्रण की भी बात करें, तमाम प्रकार के जो घटनाएं के जिक्र कांग्रेस भाजपा दोनों की ओर से किया जा रहा है दोनों, तो ये कुल मिलाकर के ये है कि महिलाएं रीपा के माध्यम से रोजगार के अवसर की बात है, सरकारी नौकरी में कितने पद रिक्त हैं इसका श्वेत पत्र आ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कितने पद रिक्त हैं। नौकरी देने के 1 लाख लोगों को नौकरी देने की बात भाजपा कह रही, इतने पोस्ट है क्या आपके पास, कितने पोस्ट रिक्त हैं, कितने में आपको नौकरी देने, महिलाओं के लिए 50,000 शिक्षक पद की बात कर, तो इतने कितने हैं ये तो पहले सामने आ जाए। तो बच्चे ये पढ़ाई कह रहे कि इंजीनियरिंग में कौन सा हमको सरकार लेना है, किस विषय में हमको आगे पढ़ाई करना है, तो उसके आधार पे एक नीति आना चाहिए, श्वेत पत्र आना चाहिए, ताकि कुल मिला के घोषणाएं जो आ जाती हैं उनको वास्तविक रूप में उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे, इसमें अभी संशय बना हुआ है। डॉक्टर शिल्पा, क्या कहना है इस पर आपका,
की घोषणाएं, जिस तरह की तमाम घोषणाओं की आप बात करें, कर्ज मुक्ति में राज्य डूबा हुआ, कर्ज में राज्य डूबा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अपार घोषणाएं की गई हैं शिक्षा को लेकर, और के शर्मा जी ने भी जो सवाल उठाए हैं, तो घोषणाओं के साथ ही साथ अमली जामा किस तरह से पहनाएंगे, क्या इस पर भी विचार किया जाता है? जमीनी स्तर पर किस प्रकार से कार्य हुए हैं भूपेश सरकार में, देखिए स्व सहायता समूह के महिला बहनों का 12 करोड़ 70 लाख रुपए जो कर्ज था वो माफ हुआ है। अभी 5 सालों की बात मैं बता रही हूँ। गोठान निर्मित किए गए हैं, 85,000 महिलाओं को गोठान के माध्यम से आर्थिक समृद्ध बनाने की कोशिश की गई है। 50,000 महिलाओं को वनोपज प्रसंस्करण में जोड़ करके उनको आर्थिक समृद्ध बनाने का कार्य किया गया है। बिहार समूह में 2 लाख स्व सहायता समूह का 27 लाख हमारी माताओं बहनों को स्वरोजगार के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का कार्य किया गया है। तो इस तरीके से हर वर्ग को सशक्त बनाने का कार्य करके जो दिखाया है वो भूपेश सरकार ने दिखाया है। केवल वादे करके छोड़ देने से नहीं होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये वादे करते हैं और भूल जाते हैं, इनकी गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं होती है। परंतु कांग्रेस की सरकार ने तो अपने वादों को लेकिन महेश जी, इस बार के घोषणा पत्र में तो आपने स्वयं सहायता समूह के लिए कुछ नहीं दिया है। महेश जी, इस बार के घोषणा पत्र में स्वयं सहायता समूह के लिए 15,000 ये जो अभी गृह लक्ष्मी योजना जो लागू किया है, इनको चुनाव के डर के लिए महिलाओं के इसके लिए महिला हितेशी के रूप में ये लोग काम करते, तो हम समझते कि महिला से काम कर रहे हैं, इनको डर लगा रहा है, इसलिए महिला पे याद आ रहा है। ये कांग्रेस का चरित्र है, और स्व सहायता समूह का गठन करने का काम भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने स्व सहायता समूह को वितरण योजना, आप देखेंगे भोजन नहीं, कुल मिला के देखिए महेश जी शिल्पा जी, कुल मिला के देखिए तमाम योजनाओं की आप दोनों ही पार्टियों ने घोषणा की है, उसका फायदा महिलाओं को मिलेगा, सरकार जिसकी भी बनती है, लेकिन यहाँ पर एक दो घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से महेश जी आप तमाम आरक्षण से लेकर बिल की बात करते हैं उसको आप लेकर आए, लेकिन महंगाई जब तक आप कंट्रोल में नहीं लाएंगे तब तक महिलाओं का भला नहीं हो सकता। दूसरी तरफ डॉक्टर शिल्पा जी, शराबबंदी की यदि आप बात करते हैं, और पूरी सरकार बीत जाने के बाद 5 साल के बाद आप कहते हैं कि अभी कुछ प्रतिशत काम हुआ है, हम चरणों में काम कर रहे हैं, 5 साल कम नहीं होता काम करने के लिए, आपको और कितने साल चाहिए काम करने के लिए? देखिए जब से सरकार बनी है आप खुद जानते हैं कि 2.5 साल तो कोरोना महामारी के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हुई थी, और प्रायोरिटी चेंज हो गई थी, प्राथमिकताएं चेंज हो गई थी, स्वास्थ्य प्राथमिकताएं ज्यादा हो गई थी। शिल्पा जी कोरोना काल में शराबबंदी, कोरोना काल में आप शराबबंदी ना करा पाए, ये किस तरह का काम? ऑनलाइन डिलीवरी कराते थे, चावल सब्जी दाल नहीं मिलता, कोरोना काल से शराबबंदी का क्या लेना देना, आप ये बताएं। फैक्ट्री, यदि आप यदि फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में काम नहीं हो पा रहा वो तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन शराबबंदी में आपको दिक्कत आई, सारा प्रशासन आपके पास था, बल्कि ज्यादा आपके पास मौका था। प्राथमिकता में आता था, और आप देख लीजिए उस समय में भी ऑक्सीजन की जैसे कमी, एक उदाहरण देना चाहूंगी, ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में थी, परंतु छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को इस समय स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी, ये शासन प्रशासन का ही काम था, तो शासन की प्राथमिकता उस समय थी। तो आपका ये कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप काम करेंगे तो शराबबंदी को आप चलने देंगे? के शर्मा जी, शिल्पा जी का कहना है कि कोरोना की वजह से शराबबंदी में सक्सेस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। कोरोना काल में ऑनलाइन डिलीवरी कराते थे लोग, शराब की फिलहाल तो अपने घोषणा पत्र से अलग रख लें, इसलिए ये कोई ज्यादा बड़ा विषय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंधन को लेकर जो बात आ रही है कि महिलाओं में आज भी छत्तीसगढ़ में मात्र 38% महिलाएं जो है स्वस्थ ईंधन का उपयोग करती है। इसी तरह से आप देखेंगे पेयजल के मामले में
भी काम करने की आवश्यकता है। बस्तर में आप देखिए फ्लोराइड और आयरन युक्त तो पानी वहां पीने को मिलता है, जिसके तरह विभिन्न शरीर में जो विकृतियों की बात कहें या गैस से संबंधित बीमारियों की बात कहें, ये बस्तर क्षेत्र की अपनी समस्या है, क्योंकि वहां प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है। इसी तरह से हम सरगुजा जाएंगे तो वहां पर फेफड़ा कहा जाता है, वहां पर कोयले के खदान है, तो वन को बचाए, लिमरू प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें कि वहां कोयला खदान को देते रहे, कितनी खुदाई होगी ये एक सीमा की बात है। जो एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात है उसमें कहां तक काम करते हैं, और जैसे ये सब विषय है 1900 किलोमीटर का ये और किलोमीटर का जो क्षेत्र है लेमरू प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। के शर्मा जी बहुत धन्यवाद, डॉक्टर शिल्पा बहुत धन्यवाद आपका, और महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से 17 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव छत्तीसगढ़ में होने हैं और उसी को लेकर कवायद भी तेज है, क्योंकि 90 में से 52 सीटों पर महिला मतदाताओं का वर्चस्व स्थापित है, और यही वजह है कि महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं दोनों पार्टियों के द्वारा लाई जा रही हैं। अब देखना यह है कि महिला मतदाता किसकी योजना पर विचार करके किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने भरोसे की बात कर रही हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, 3 दिसंबर को क्या है नतीजा महिलाओं का ये पता चलेगा। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।